नमस्कार दोस्तों, सो वी आर लाइव नाउ। तो जैसा कि आप लोग वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, रोलैंड की BK3 की लाइव अनबॉक्सिंग हम दिखाने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स का कि वो लोग भी लाइव हो जाए। ओके, ऑल गुड। थोड़ा बहुत एसी का आवाज आएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है आज। तो लेट्स वेट फॉर आवर सब्सक्राइबर्स। सभी को हाय, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने रोलैंड BK3, जो कि एक BK सीरीज का, बैकिंग सीरीज का काफी सालों पुराना मॉडल है, जो कि उसका रिजल्ट काफी अच्छा था। पर तभी उसकी प्राइसिंग वगैरह काफी हाई हुआ करती थी उस टाइम पे। तो आज की डेट में ये अराउंड 28-29 हजार रुपए का मिल जाता है आपको अमेजोन पे। उसके लिंक्स आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको ये पसंद आता है तो जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा कि वोड आपको। तो देखते हैं रोलैंड BK3 की अनबॉक्सिंग, उसका ओवरव्यू, उसी के स्पीकर से आउटपुट लेकर के हम बनाएंगे। और आज वीडियो बिफोर टाइम है कि हर बार फिर रह जाता है काम काम में लाइव होना। तो सब लोग लाइव हो, उतने लोग कमेंट डाल दीजिए, लाइक दे दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। तो जस्ट ब्रिंग मी द कटर। तो ये रहा रोलैंड BK3 का बॉक्स। तो इसको मैं रखता हूं नीचे और उसको हम ओपन करते हैं। आप लोगों को दिखे वैसे ही मैं दिखाता हूं। ओके, तो लाइक दीजिए सभी लोग को। मैं आग्रह करूंगा कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बनता, जनता लाइक तो बनता। तो ये ओपन कर रहा हूं मैं इसका बॉक्स। तो बॉक्स ओपन करते ही कंटेंट हमें दिख जाएगा कुछ इस तरह। तो ये है आप लोगों का रोलैंड BK3 अरेंजर कीबोर्ड। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगा ये पावर एडेप्टर, जो कि अपने XPS सीरीज की तरह ही वही क्वालिटी मेंटेन आपको इस प्राइस रेंज में भी मिलेगी। तो इसको हम करेंगे साइड में और देखते हैं कि और क्या मिल जाता है। ये है म्यूजिक रेस्ट नोटेशन स्टैंड, उसको भी मैं साइड में रखता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत ज्यादा सेलोटेप का प्रयोग है यहाँ पे, पैकेजिंग काफी अच्छी है। तो मैं इसको निकालता हूँ बाहर। तो ये आ चुका है कीबोर्ड हमारा स्टैंड के ऊपर, और बाकी बॉक्स में मैनुअल वगैरह ये मिल जाएगी। और भी कंटेंट यहाँ पे दिखाने को है नहीं, तो बॉक्स में करता हूँ साइड। वापस हम लाते हैं टॉप व्यू। ये है अपना कीबोर्ड। मैं साथ ही में वॉल से कनेक्ट कर लेता हूँ अपना पावर एडेप्टर। तो लेट मी कनेक्ट द पावर सप्लाई फर्स्ट। वीडियो लाइव है इसके लिए थोड़ा बहुत डिले आएगा, वो जाहिर सी बात है। तो बेयर विथ मी। ओके, तो हमने यहाँ पे एडप्टर को कर दिया है ऑन, और मैं कीबोर्ड को यहाँ से ये घुमा देता हूँ और आप लोगों के लिए एक फ्रेश फिश लाइव सेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो लाइक तो बनता है, पब्लिक आप लोगों के लिए करते है सब। तो एंगल ओके है,
तो हम यहाँ पे पीस को करते हैं ओपन। तो ये है आप लोगों का रोलेंड PK3। तो कैसा लग रहा है कीबोर्ड, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं अभी कमेंट रीड करने आया हूँ स्क्रीन के पीछे। तो लेट मी कनेक्ट द पावर एडप्टर, वापस थोड़ा सा एंगल हम चेंज कर लेते हैं। तो प्राइस रेंज इस कीबोर्ड की मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। अभी के डेट में अमेज़ॉन पे ही आपको अराउंड 20,000 का मिल जाएगा। इसकी परचेज करने के लिए हमारे दिवाए के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो ये जो उसकी वैल्यू है अभी के टाइम पे बिल्कुल जस्टिस करता है, मैं कह सकता हूँ। यदि आपको रोलेंड का ही कीबोर्ड चाहिए एक अच्छी क्वालिटी में, रोलेंड की सारी लाइब्रेरी चाहिए कम रेंज में, तो बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है। तो मैं सस्टेन पेडल भी यहां पे कनेक्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को एक अच्छी आइडिया आए। बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है। पसंद आया तो लाइक ठोकेगा। ओके, अब थोड़ा क्लियर सुनाई देगा आपको। लेट्स स्टार्ट विथ सम म्यूजिक। पे अब हम साउंड को करते हैं चेंज। ये है अभी सुपीरियर पियानो एक। नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल पियानो। अभी ये है अपराइट पियानो का साउंड। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये रेंज में ऑलमोस्ट कोई भी कीबोर्ड हमें अपराइट साउंड नहीं दे रहा है। तो लेट्स लिसन। यह है ब्राइट पियानो। तो अभी हम प्ले करते हैं एक माइल्ड पियानो टोन है। अभी मैं एक पियानो विद स्ट्रिंग्स ले लेता हूं यहां पे। पियानो विद कॉयर्स।
आई होप ये आपको पसंद आ रहा है, तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँगा। तो ये थी कुछ पियानो, पियानो कैटेगरी है अपनी, फिर ये कुछ इलेक्ट्रिक पियानो उस पर हम आते हैं। सुपीरियर उसके स्पीकर्स भी है, जो पैनल है, की मैकेनिज्म बिल्कुल XPS सीरीज वाला हमें मिल जाता है, एक हाई एंड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो अब हम शिफ्ट करते हैं ऑर्गन्स के अलावा, हम एकॉर्डियन यहाँ पे यार जाए, मैं सस्टेन पेडल निकाल देता हूँ। फिर कोई एक और सिलेक्ट करें, साउंड काफी अच्छे हैं। एकॉर्डियन की भी काफी अच्छी वैरायटी है। फिर हम आते हैं ओबे, ओबे एकॉर्डियन, फिर वायलिन एकॉर्डियन। तो आई हैव टू से इट्स वेरी इंप्रेसिव इलेक्ट्रिक गिटार। इतनी कम रेंज में आपको पूरा जॉयस्टिक मिलता है, देखिए। साउंड का एक आइडिया ले सकते हैं कि काफी कम रेंज में क्या सॉलिड साउंड है ये। मैं एक बार वापस सस्टेन पेडल यहां पे अटैच कर लेता हूं क्योंकि मेरा रिवर्स पोलैरिटी का है। प्ले करने का काफी एंजॉयबल है। तो जैज गिटार है, अच्छा कीबोर्ड है ये। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आप अराउंड 30,000 तक जाना चाहते हैं और रोलैंड का ही प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो सुपर। तो कुछ बेस वगैरह, तो बेस है, फिर गिटार्स,
acoustic guitar kind of okay. ये अच्छा साउंड है. स्टिल स्ट्रिंग प्यारे साउंड है. ट्वेल्व स्ट्रिंग गिटार मैंडोलिन कुछ गिटार थे. अब हम आते हैं स्ट्रिंग्स. काफी क्लियर है. सुपर्ब साउंड. सो आई हैव हर्ड इट्स वेरी अंडररेटेड कीबोर्ड, ऐसा हम कह सकते हैं कि कई लोग ने इसको नोटिस ही नहीं किया अभी तक, क्योंकि हमने दिखाया भी नहीं. वो भी हुआ कोई नहीं तो अभी दे रहा है दुरुस्त है. काफी अच्छे अच्छे साउंड्स है यहाँ पे. तो वैरायटी काफी तगड़ी है कीबोर्ड में. तो फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं. यहाँ पे तो इंडियन का जो आप कमेंट कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, इसके ऊपर डेडिकेटेड इंडियन वीडियो बनाया कि इसमें पेन ड्राइव थ्रू लोड करने पड़ेंगे, बाय डिफॉल्ट इसमें है नहीं, तो वो भी लाइव में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो मैं करूँगा, आपको दिखाऊंगा. तगड़े साउंड, पूरी लाइब्रेरी रोलैंड वाली मिल रही है इसकी वजह से. वो थोड़ा
भी हम आते हैं सैक्सोफोन। रिथम भी सिलेक्ट करते हैं, तो अभी ऑपरेटिंग हमें भी देखना बाकी है। बैलेंस है यहाँ पे, ब्रीफ आइडिया ले लिया। फिर हम टोन्स की तरफ और आगे बढ़े। अच्छे टोन है, कोई शिकायत नहीं रह सकती आपको यहाँ पे टोन के बारे में। ऐसे तो फ्लूट है, विसल है, सब कुछ ही है, ओबे है। एक ब्रीफ आइडिया लग गया। आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आज का लाइव सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसका ब्रीफ वीडियो हम लाएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।